हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ विथ हैप्पीनेस में। जी दोस्तों, आज के वीडियो में जो है, जैसा कि मैंने मेरे दो वीडियो में आपने देखा था कि जो है एनुअल फंक्शन में किस प्रकार से जो अच्छे अच्छे प्रोग्राम हो रहे थे सेंट्रल अकेडमी के, उसी में जो एक पन्ना दाई है उसका जो है शानदार नाटक रहा। पन्ना दाई जो है त्याग और बलिदान की मूर्ति के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने जो है उदय सिंह जी को बचाने के लिए जो है अपने पुत्र चंदन की जो है बलि दे दी थी और उन्होंने आह भी नहीं दी थी। इसका बहुत ही शानदार जो मंचन है जो बालकों द्वारा किया गया, देखिए आगे वीडियो में। मुझे तो कुंवर उदय की भी चिंता हो रही है। मालवा का बहादुर शाह कुंवर के जान का दुश्मन है और वह दूसरे और प्रधानमंत्री बनने के इरादे भी हमें नेक नहीं लगते। वह भी दोनों कुंवरों की जान के पीछे पड़ा है। तो फिर महाराणी साहब, हमें कहीं सुरक्षित जगह पर चले जाना चाहिए। नहीं पन्ना, नहीं, तुम्हें आज है मेवाड़ धरा की। एक क्षत्राणी से फिर कभी इस प्रकार की बात न करना जो कि हमारे क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। उदय सिंह को खत्म करने के लिए उनके कक्ष की ओर बढ़ता है। मैं तो उसे जगाने आया हूँ, मैं तो उसे चैन भरी नींद सुलाने आया हूँ। आपका इस छोटे से बालक से क्या है? आप तो कुंवर के संरक्षक हैं और वैसे भी कुंवर के बड़े होने तक तो आप ही आगे राजा हैं। नहीं, जब तक कुंवर जिंदा रहेगा मेरे लिए खतरा बना रहेगा। तुम अपनी जान बचाकर ऐसे जा सकते, मैंने महाराणा साहब का नमक खाया है और कुंवर को जन्म से अपने पुत्र की तरह पाला है। मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी। पन्ना अपनी कटार से बनवीर को रोकना तो चाहती है, मगर बनवीर पन्ना को एक तरफ धक्का देकर गिरा देता है और कुंवर को ढूंढने लगता है। आज मैंने दोनों कुंवरों को मार दिया, आज से मैं ही चित्तौड़ का नया राजा हूँ। बुझा के अपने दीपक को मेवाड़ सूर्य का उदय किया, त्याग शौर्य बलिदान का जिसने जय हो पन्ना मां, जय हो पन्ना मां।